भागलपुर के नगर निगम पार्षद और नगर आयुक्त के बीच विवाद शांत होता नजर नहीं आ रहा है। एक बार फिर पार्षद ने नगर आयुक्त के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की है। गौरतलब हो कि 2 सप्ताह पूर्व नगर निगम के सभी पार्षद नगर आयुक्त जय प्रियदर्शनी के रवैये के खिलाफ उनके दफ्तर के सामने धरने पर बैठे थे। उस समय धरना स्थल पर नगर आयुक्त स्वयं पहुंचकर नाराज पार्षदों से बातचीत कर मामले को शांत किया था और पार्षदों के लिए रोजाना दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक मिलने का समय निर्धारित किया था। लेकिन बीते कई दिनों से नगर आयुक्त अपने दफ्तर में निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो रही है और न ही नगर निगम में विकास कार्य के लिए प्रयासरत जनप्रतिनिधियों से मिल रही है। आज करीब 1 दर्जन पार्षद पूर्व उप महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर के नेतृत्व में नगर आयुक्त से मिलने के लिए पहुंचे तो नगर आयुक्त अपने दफ्तर में नहीं थे, जिससे पार्षद नाराज हो गए और पुनः आंदोलन की चेतावनी दे दी। डॉक्टर प्रीति शेखर पूर्व उप महापौर सरयुग राय पार्षद कि हमने जो है आंतरिक संसाधन के बारे में जो है इसमें जो घोटाला किया है सत्येंद्र वर्मा, उसके बारे में हमने 2 बार, पहले तो अप्रैल के अति आवेदन दिया, इसके बाद अप्रैल किया, इसके बाद आज तक वो जवाब नहीं दिया। जलकर में बहाली हुआ है, किसके आदेश से, किसके निर्देशानुसार वो बहाल किए हैं, उसका भी जो है हम पार्षद से जवाब मांगे, आज तक नहीं मिला। इससे साफ जाहिर होता है कि सारा भ्रष्टाचार के आरोप में सारा नगर निगम बैठा हुआ है। मिलने के लिए आए थे नगर आयुक्त महोदया, 3 बार हम लोग को टाइम दिया, क्या हुआ नहीं है, आज भी आए हैं, देखते हैं ताला जो है खुला हुआ है लेकिन फाटक बंद है, क्या करेंगे, क्या कीजिएगा आगे के लिए। तो जो है अब हम लोग व्यवस्था लगा रहे हैं, ताला बंद करने का काम करेंगे, दूसरा कोई उपाय है नहीं। जी हजूरी बहुत किए हम तो, पहले अपना ही सोचते हैं कि नगर आयुक्त नगर निगम मेरा परिवार है, लेकिन नगर निगम परिवार दलालों के फेर में जो है नगर निगम बर्बाद हो रहा है। कई ऐसे 2-3 दलाल हैं जो कि नगर निगम को बर्बाद कर रहा है। तो पैसा जो है कोरोना के कोरोना कार्यकाल में सत्येंद्र वर्मा ने लूट खसोट करके पूरा आंतरिक संसाधन को का जो खजाना वो खाली कर दिया गया है। हम मांग करते हैं कि उसकी जांच हो और सत्येंद्र वर्मा पर जो है कार्रवाई की जाए। आज हम लोग आए थे नगर आयुक्त महोदया से मिलने के लिए, जो हम लोग धरना पर बैठे थे उसके विषय में, लेकिन आज वह ताला बंद है और हम लोग नहीं मिल पाए उससे। आगे क्या कीजिएगा? आगे जो है हम लोग जो है उस पर जो है यदि इस पर जांच की तय नहीं किया गया तो हम जो है उस पर आगे की कार्रवाई करेंगे, आंदोलन करेंगे, जो भी लोकतांत्रिक तरीके से करना होगा हम लोग करेंगे, हम लोग बैठेंगे नहीं। जनता हमको चुन के भेजी, जनता हमसे जवाब मांगती है। हम लोग आज नगर आयुक्त महोदया से मिलने के लिए आए थे, हम सभी अपने अपने क्षेत्र के वार्ड के जनप्रतिनिधि हैं और उन्होंने 12 से 1 मिलने का समय दिया था। आप सबों को मालूम होगा कि पिछले दिनों जन समस्याओं को लेकर और नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ माननीय पार्षदों ने धरना दिया था और नगर आयुक्त ने उस स्थल पर पहुंचकर लोगों को आश्वस्त किया था कि उनके समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके कमिटमेंट के अनुसार 10 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी भी समस्या के समाधान की बात दूर है, वो अभी मिल भी नहीं रही है पार्षदों से। और सबसे बड़ी बात है कि जो उन्होंने मुद्दा उठाया था हम लोगों ने कि जो नगर निगम में जो बिल्कुल नियमों की अनदेखी करके जलकल में बहाली की गई है, स्वास्थ्य शाखा में कई सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति कर ली गई है नियमों की अनदेखी करके, ना कोई विज्ञापन निकला है नहीं कोई, तो इससे भ्रष्टाचार की बू आती है। उस पर हम लोगों ने मांग किया था कि उसकी जांच होनी चाहिए और ये सारा का सारा जो भी इसके पीछे जो संलिप्त हैं जो भी अधिकारी और जो भी कर्मी उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही साथ हम लोगों ने यह मांग किया था कि सभी वार्डों में पिछले 21 महीनों से योजना का टेंडर होकर और क्रियान्वयन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि कहीं वर्क ऑर्डर नहीं मिला है, कई ठेकेदारों को काम शुरू उन्होंने किया उसका पेमेंट नहीं मिला है। तो कारण कुछ भी हो, हम लोग की मांग है कि कार्य धरातल पर उतरना चाहिए और उन्होंने यह आश्वस्त किया था कि वो काम 10 दिनों के भीतर सभी वार्डों में प्रारंभ कराया जाएगा, लेकिन जैसी मुझे मेरी जानकारी है कि इक्के दुक्के वार्ड को छोड़कर बाकी सारे जगह विकास कार्य ठप हैं। हम लोगों को, हम सिर्फ जनप्रतिनिधि को नहीं बल्कि हम लोगों को जनता से भी को भाजन
सदन हम लोग बन रहे हैं, जनता भी हम जनप्रतिनिधियों को रोज़ सवाल पूछ रही है कि आपके यहाँ कब काम होगा। इतने दिनों से कहीं गड्ढे खुदे हुए रखे हुए हैं, कहीं आधे नाली बनकर उसका नाला निर्माण पूरा उसका पट नहीं लगा है, कई बहुत सारी समस्याएँ हैं और इन समस्याओं को लेकर हम लोग बिल्कुल परेशान हैं। और हम लोग आज नगर आयुक्त महोदया से उसी के लिए मिलने के लिए आए, लेकिन उनका देख रहे हैं कि उनका अभी दरवाजा बाहर से बंद है। बाहर में लिखने का जो लिखा हुआ टाइम वो भी 12 से 1 है। हम लोग नियमित टाइम पर आए, समय पर आए, लेकिन उसके बावजूद उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोग अगर जल्द से जल्द हमें लगता है हम 1-2 दिनों के अंदर मिल बैठ कर फिर आगे की कार्य योजना तय करेंगे, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। और जब तक भ्रष्टाचार का उजागर न होकर विकास कार्य पटरी पर जब तक नहीं उतरता है, हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा।